मेरे बेटे को पूछा गया कि बेटा आपका पापा क्या करते हैं। मेरे घर में एक रिलेटिव आया और उन्होंने मेरे बेटे को पूछा कि बेटे आपके पापा क्या करते हैं, और मेरे बेटे ने जवाब दिया मेरे पापा बिजनेस में। ये सुनने के बाद मैंने मेरे बेटे को पूछा, जब मैं उनसे मिला और मैंने जब उनसे डिस्कस किया, मेरे बेटे से मैंने बात करी, मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या पता चल रहा है कि मैं क्या करता हूँ। सिंह मेरा बेटा 4 साल का है, तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि आप बोलते हो मेरा नाम मनीष उपाध्याय है, मैं ऐसा हूँ। वो मेरी कॉपी करता है, जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मुझे सुनता है और मेरी कॉपी करता है, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। उसी समय मुझे एक थॉट भी आया कि ऐसी क्या चीज है, ऐसे क्या रीजंस है जो लोगों को बिजनेस करने से रोकते हैं, ऐसी क्या चीज है कि लोग बिजनेस में नहीं उतर पाते, ऐसा क्या रीजन है कि लोग बिजनेस नहीं कर पाते। और इसी के चलते मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं इस चीज पे फोकस करूंगा कि लोग बिजनेस क्यों नहीं करते या लोग बिजनेस में क्यों उतरना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष उपाध्याय, मैं फ्रीडम बिजनेस कोच हूँ, लोग मुझे ऑटो पायलट बिजनेस कोच भी कहते हैं। मैं एक स्मॉल बिजनेस को ऑटो पायलट बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता हूँ। मैं बिजनेस में सिस्टम्स और पीपल्स के थ्रू कैसे हम ऑटो पायलट मोड में जा सकते हैं उसके लिए मैं हेल्प करता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका एकमात्र कारण ये है कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर है, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, और अगर वो बिजनेस में है और फ्यूचर में अगर वो किसी से बात कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन से बात कर रहे हैं, किसी यंगस्टर से बात कर रहे हैं, तो ये चीजें उनको माइंड को हिट करेगी कि उनको कैसे बात करनी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी बिजनेस में आए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ रीजन शेयर करूंगा कि आपको पता चलेगा कि लोग बिजनेस में क्यों नहीं उतरते। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और बिजनेस का सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके काम के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों एक व्यक्ति बिजनेस में नहीं उतरता या बिजनेस नहीं करता। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आपको 5 रीजन शेयर कर रहा हूँ, और मेरा 5 रीजन शेयर करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं चीजों को क्रिटिसाइज करूं। बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ क्रिटिसिज्म के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मेरा पर्पस एकदम क्लियर है कि अगर मैं ये वीडियो बनाता हूँ और अगर हमें पता चलता है कि ये रीजन से ये चैलेंजेस आते हैं लोगों को बिजनेस नहीं शुरू करने में, सो हो सकता है नेक्स्ट टाइम से आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ लुकिंग थिंग्स आपका चेंज हो जाएगा, वे ऑफ लुकिंग टूवर्ड बिजनेस आपका चेंज हो जाएगा, और यही मैं चाहता हूँ इस वीडियो से। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइड सम फैक्टर्स, मैंने कुछ फैक्टर्स निकाले हैं और वो फैक्टर्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, कड़वा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी रियल फैक्ट और चीजों पे बात करने वाला हूँ जो बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो, मैं पहले ही आगाह करता हूँ, और सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, मैं इसकी भी आशा नहीं करता, क्योंकि जब हम ये मेरा परसेप्शन है जो मैंने परस्यू किया है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वहां से मैंने अपना एजुकेशन किया, मैंने वर्क एक्सपीरियंस भी है, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, और उसके बाद मैं बिजनेस में उतरा हूँ, तो ये सब जानते हुए जब मैंने बिजनेस शुरू किया और जो चैलेंजेस मैंने आसपास देखे, वही चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है, ठीक है। आशा करता हूँ आप मेरे साथ इस फ्लो में बहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोग बिजनेस नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आप यंगस्टर्स से, अपने आसपास वालों से कैसे बात करें ताकि मैक्सिमम लोग बिजनेस में आए, ये चीज आपको इस वीडियो से पता चले। सो फिर से क्लियरली बोल रहा हूं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर क्रिटिसिज्म, दिस इज मोर ओवर ऑन बिल्डिंग थॉट्स, बिल्डिंग न्यू थॉट्स ऑन चेंजिंग माइंडसेट टुवर्ड्स बिजनेस, राइट। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिलिकॉन वैली, जो कि सिलिकॉन वैली एक एंटरप्रेन्योर्स का हब कहलाया जाता है, स्टार्टअप का हब कहलाया जाता है, वहां पे अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो उसको पूछा जाता है व्हाट बिजनेस, व्हाट आइडिया, यानी क्या बिजनेस है, क्या आइडिया है।
भारत में अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको पूछा जाता है क्यों बिजनेस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर इंडिया में कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको पूछा जाता है क्यों बिजनेस, न कि क्या बिजनेस, क्या है, क्या आइडिया है, क्या कर रहे हो, या क्यों कर रहा है बिजनेस, क्यों टेंशन ले रहा है। आप समझ पा रहे हैं व्हाट एंड व्हाई का डिफरेंस? यहाँ पे जो क्यों वाला जो चीज आया है ना, वो क्यों आया है वो चीज आपको यहाँ मिलेगी। जब हम कोई बिजनेस में उतरता है तो सबसे पहले उसको क्या पूछा जाता है, क्या सोचा जाता है, उस चीज को लेके यहाँ पे मैं चीजें शेयर करूँ। अगर आप डेटा पे विश्वास रखते हैं, अगर आपने कुछ फैक्ट फाइंडिंग पता किया होगा, तो बहुत सारी रिसर्च कंपनीज ये बोलती है, रिसर्च इंडस्ट्रीज ये बोलती है, करीबन 70-80% लोग अपने वर्किंग टेन्योर में जहां काम करते हैं वो अपने काम से खुश नहीं है, या तो वो गलत जॉब पे हैं या वो जॉब करना ही नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, फिर भी वो कुछ नया कुछ बिजनेस या कुछ स्टार्टअप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसके 5 रीजंस आपको यहां मिलेंगे। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग बिजनेस क्यों शुरू नहीं कर पाते। आपको मैं 5 रीजन शेयर कर रहा हूं। सो सबसे पहला रीजन सोसाइटी। जब मैं सोसाइटी की बात करता हूं तो आपका समाज, आप जहां रहते हैं अपने आसपास में, आपका सराउंडिंग, आपका एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये बहुत मैटर करता है आपके थॉट पे कि आप बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कोई कम्युनिटी में बिजनेस के लोग ज्यादा रहते हैं और दूसरी कोई कम्युनिटी में बिजनेस प्रोफेशनल्स कम रहते हैं, ऐसा क्यों? इसका सिंपल रीजन, एक कोई कम्युनिटी में बिजनेस को जब बोला जाता है या बिजनेस में कोई उतरता है तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, इट्स अ मैटर ऑफ एप्रिसिएशन। नहीं, दूसरे कोई कम्युनिटी में, दूसरे कोई सोसाइटी में अगर बिजनेस की बात निकलती है, समटाइम्स इट्स अ मैटर ऑफ शेम आल्सो। मैंने यहां तक सुना है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटी में ऐसा है कि अगर वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर रहा है तो शायद उसकी शादी नहीं होगी, उसको लड़की नहीं मिलेगी, या जो भी एक चैलेंजेस है वो उसको फेस होते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या बोलने जा रहा हूँ? ये चीजें कहीं ना कहीं सोसाइटी में सामाजिक रूप से एक समाज के रूप से एक लोगों पे जो है एक बर्डन जैसी फील होती है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। रीजन ये है, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हाँ मेरे समाज में ये पैटर्न्स नहीं चलते, ये चीजें नहीं चलती। अब मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन या कोई सोसाइटी को दोष नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे क्यों ये पॉइंट छेड़ रहा हूँ, क्योंकि अब अगर आप सुन रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके समाज में ऐसा होता है, तो दिस इज टाइम टू चेंज, दिस इज टाइम टू, अब यहाँ से आप डिफरेंट तरीके से सोचें। जब भी कभी आपके समाज में ऐसी बात निकले बिजनेस को लेके या रिलेशनशिप को लेके कि भैया ये जॉब करता है तो ये आगे इसको लड़की देंगे या इसका फ्यूचर सेफ है, या बिजनेस में तो इसका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो आप वो चीज को टर्न करो। क्यों? क्योंकि अब आप इससे अवेयर हो गए। दैट्स माय पर्पस। गॉट माय पॉइंट? सो सबसे पहला चैलेंज ये है कि सोसाइटी, समाज, ये भी कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम, एक माइंड सिस्टम डेवलप करता है लोगों का कि उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में इतने सारे बिजनेसेस या बिजनेस ओनर्स रहते हैं और क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में इतने ज्यादा जॉब होल्डर्स रहते हैं? सोच के देखिए, आपका आंसर मिलेगा। सो ये मेरा पहला पॉइंट है कि सोसाइटी, समाज, कम्युनिटी, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है, ये बहुत हद तक मैटर करता है कि आप बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। आपके पास आइडिया बहुत हो सकता है, मैं ऐसे ढेरों लोगों को जानता हूं जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो आइडिया और एक्शन का जो गैप है ना, दैट्स एक्चुअली ब्रिंग बाय सोसाइटी। नाउ आई एम क्लियर, जो आइडिया और एक्शन का जो बीच का जो गैप है ना, ये सोसाइटी या जो और जो अदर फैक्टर्स है वो फील करते हैं, और वही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है। सो दिस इज नंबर वन रीजन, सोसाइटी जो है वो एक चैलेंज रहता है। दूसरा है पेरेंट्स। अब इसमें मेरे दो व्यूज हैं। पहला व्यूज ये है कि हर पेरेंट चाहता है कि अपना बच्चा जो है वो सेफ रहे, कंफर्टेबल रहे, स्टेबल इनकम रहे। दिस इज ट्रुथ, ये सच है। जब आप बिजनेस में उतरते हो तो शुरुआती दौर में कुछ हद तक आपकी अनस्टेबल इनकम रहती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ,
लेकिन जब आप थोड़ा सिस्टम पे काम करते हैं, प्रोसेस पे काम करते हैं, अपनी चीजों को डिजाइन करते हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आपका प्रोडक्ट क्लियर है, आपका मार्केट क्लियर है, आपका नीश क्लियर है, तो आप चीजों को स्टेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ इनकम बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा एरिया है मुझे बताइए जहां पे आपको हर दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हर दिन लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जॉब में है तो जॉब में जो पहले के टाइम के जो जॉब्स थे, जब हमारे पेरेंट्स जब काम करते थे या जब कोई जॉब करते थे, आपके पेरेंट्स काम करते थे, तो आपने सोचा होगा या उनका अगर आप बात करोगे ना, तो उनके लिए जॉब इज अ वेरी गुड थिंग। अभी भी जॉब अच्छे हैं, अनलेस एंड अंटिल अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे, देन आई से जॉब इज अ वर्स्ट थिंग। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट पेइंग यू एज पर योर पोटेंशियल, राइट। सो यहाँ पे मैं पेरेंट्स की अगर बात करूँ, तो पेरेंट्स के साथ का बच्चों के साथ इंटरेक्शन क्या रहता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो बच्चा बिजनेस में जाएगा कि नहीं। अब फिर से बोल रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शेयर किया, उन्होंने जो पढ़ाया, उन्होंने जो हमें बताया, वो उनके अंडरस्टैंडिंग और उनके अवेयरनेस के हिसाब से सही था। लेकिन अगर अब आप पेरेंट्स बन रहे हैं, चाहे आप अभी न्यूली मैरिड है या अभी पेरेंट्स बनेंगे, या आप एग्जिस्टिंग किड के पेरेंट्स हैं, माता पिता है, तो आप अपने बच्चों को जब भी बात करें, तो यू डोंट कम से जॉब इन एंड बिजनेस, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट। अगर जॉब में आपका रेगुलर स्टेबल इनकम है, तो भैया जॉब में इनकम आने के पहले टैक्स भी कटता है, और बिजनेस में अगर इरेगुलर इनकम है, तो बिजनेस में पहले एक्सपेंसेस कटते हैं, फिर टैक्स कटते हैं। आप समझ पा रहे हैं, एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस एंड जॉब आर एंटायरली डिफरेंट, यू कैन नॉट कंपेयर बोथ। Business is somewhere related with the higher purpose, higher vision. Again, job is also related with the higher purpose, unless and until you enjoy it. Otherwise, it is actually a rotten, it is a shrap. ये shrap है कि आप grow नहीं कर पाते। और ये चीज हमें parents से हमें सीखने को। मैं example दूँ। मेरे family का restaurant है, मेरे papa का restaurant है। और जब मैं बड़ा हुआ मुझे याद है कि हम जब तकरीबन 4-5 साल का हुआ होगा, तो हमें रेस्टोरेंट में बिठाया जाता था काउंटर। अभी भी मैं अपने बेटे को मेरे बिजनेस में लेके जाता हूँ, जो मेरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं मेरे बेटे को बिठाता हूँ, उसको इन्वॉल्व कराता हूँ चीज़ों। क्यों? क्योंकि हिशो केटर आइडिया कि लोग कैसे काम करते हैं, कैसा काम होता है, काउंटर पे कैसे बैठते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ही सी। वो काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट में आता है, वो देखता है कि कैसे चीजें मूव करती है, भले ही वो उसको कुछ अभी पूरी तरह नहीं समझे, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये सब फीड होता है। और यही चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है पेरेंट्स के रूप में। पेरेंट्स या कोई भी ह्यूमन बीइंग, हर कोई चाहता है कि कंफर्ट जोन में हम रहे। मैं आपको बोलता हूँ, आपका बच्चा अगर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है बचपन से, तो उसको करने दीजिए कुछ हद तक, उस पर वॉच रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसको ट्रैक कीजिए, बट उसको रेजिस्ट मत कीजिए, और उसको बीच बीच में उसको स्टॉप मत कीजिए। डोंट मेक क्लोन ऑफ योरसेल्फ। मैक्सिमम फादर और मदर का प्रॉब्लम क्या है ना, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप परफेक्ट है? पूछिए अपने आप से, क्या आप परफेक्ट है? आपके माइंड में आएगा नहीं यार। आप बोलते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो। मैं मैक्सिमम पेरेंट्स से पूछता हूँ, क्या आपके पढ़ाई करने से आपने वो सब अचीव कर लिया जो आप करना चाहते थे? सोच के देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चों को मत पढ़ाई, राइट टू अंडरस्टैंड, मैं ये बोल रहा हूँ डोंट क्रिएट योर क्लोन्स, क्लोनिंग मत कीजिए, सेम टू सेम मत बने। उसकी एक डिफरेंट, उसको यूनिवर्स ने एक अलग ताकत दी है, अलग सोचने की शक्ति दी है, उसको फ्री रखिए, उसके सुनिए और उसको गाइड कीजिए, नॉट इवन टेल, गाइड कीजिए। टेल मींस यू डू दिस, गाइड मींस ठीक है ऐसा कर सकते हैं, लेट्स सी डू इट, करके देखो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द सेकंड रीजंस, जो कि पेरेंट्स का फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि मैक्सिमम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। ठीक है, थर्ड रीजन है स्टूडेंट्स। नाउ अगर स्टूडेंट्स आप मुझे देख रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आग उबलने वाला हूं। आई विल बी टॉकिंग रियल ट्रुथ स्टूडेंट्स। टायर 2 टायर 3 सिटीज के अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर मैं 20% स्टूडेंट को छोड़ दूं, टॉप 20-30% स्टूडेंट, तो 70% स्टूडेंट जो है ना, वो कभी कोई बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। फॉरगेट अबाउट बिजनेस, देन नॉट इवन थिंक दैट कि यार मैं अपना परसेंटेज भी इतना लेके आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे काम भी कर सकता हूँ। और मैंने
करीबन मैंने अभी तक काफी स्टूडेंट्स के मैं टच में आया, ट्रेनिंग किया हूँ, काफी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने कुछ चीजें देखी स्टूडेंट्स में, जो बच्चा अगर अच्छा काम कर लेता है ना, अच्छा जॉब कर लेता है या कोई भी काम करने के लिए शर्माता नहीं है ना, वो बच्चा अच्छा बिजनेस कर लेता है। जो बच्चे का पर्टिकुलर चीजें चाहिए कि मैं ऐसा ही जॉब करूंगा, ऐसा ही मुझे नौकरी चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना, दे कैन नॉट डू अ बिजनेस। क्यों? क्योंकि देयर माइंड इज नॉट ओपन। ऑल्दो दे से दे आर ओपन फॉर बिजनेस बट दे डोंट हैव ओपन माइंड। और अगर वो कर भी लेते हैं ना, तो उनको सब चीज रेडीमेड चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए सोचिए आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट सोसाइटी एंड पेरेंट्स, उन्होंने जो करना था कर दिया, नाउ इट्स योर टर्न। आप क्या कर सकते सोचिए, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते सोचिए, और फॉरगेट अबाउट की पैसा चाहिए बिजनेस शुरू कर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट की पैसा चाहिए बिजनेस शुरू कर दीजिए। अगर आपके माइंड में आइडिया है, आपका मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, कोई छोटी कंपनी ज्वाइन कीजिए, वहां पे सीखिए कैसे काम होता है। छोटे शहर में हो तो बड़ी कंपनी ज्वाइन करो, जहां पे समझ में आएगा कि कैसे काम होता है। बड़े शहर में हो, छोटी कंपनी ज्वाइन करो ताकि आपको समझ में आएगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। नाउ यू गॉट टू लर्न अबाउट बिजनेस, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हो। एक्चुअली आप क्या चाहते हैं पहले खुद डिसाइड करें। आजकल का स्टूडेंट्स 20-30% स्टूडेंट्स को छोड़ दो, टायर 1 सिटीज के स्टूडेंट्स को छोड़ दो, मैंने टायर 2 टायर 3 सिटीज में कुछ बच्चे बहुत मेहनती रहते हैं, वो अपने चीजों पे निकल के बाहर आ जाते हैं। कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता करना क्या है, दे जस्ट लिव ऑन सोशल मीडिया लाइफ, एक ग्लूमी वाला लाइफ जीने पे बिलीव करते हैं, जिससे कुछ नहीं होने वाला। लेट इट बी वेरी फ्रैंक, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस थिंक अबाउट वॉट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये खुद भी चाहते हैं कि वो खुद भी चाहते हैं कि कोई छोटा सा जॉब मिल जाए, कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए, कोई छोटा सा काम मिल जाए, तो उनको काम करने के लिए वो रेडी है, उनको बिजनेस नहीं करना, दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। ओके, तो ये भी एक मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, एक माइंडसेट का चैलेंज है जो स्टूडेंट्स में मैंने देखा है। दिस इज अगेन द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स डोंट स्टार्ट अ बिजनेस। टीचर्स है ना, स्टूडेंट्स में एक और पॉइंट आएगा कि सिंस क्लास में 60 बच्चे हैं, हार्डली कोई बच्चा सोचता है, एक या दो बच्चे जो उनको कुछ हटके करना है, जॉब को छोड़ के करना है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट देखे हैं जो ऐसा कुछ डिफरेंट मूव लेते हैं। जब वो डिफरेंट मूव लेते हैं ना, तो दे हैव नॉट बीन अप्रिशिएटेड दैट दे आर यूनिक और समथिंग डिफरेंट, दे हैव बीन अप्रिशिएटेड दैट ये कैसे, ये अलग कैसे। हम उसको ऐसे ट्रीट नहीं करते कि नहीं यार वो डिफरेंट है, अलग है, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, रादर देन हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, उसके फ्रेंड्स ऐसे ट्रीट करते हैं, यार तू छूट जाएगा यार, देख हम सब तो जा रहे हैं, सेफ है, हम सब लोग जैसा बोला जा रहा है वैसा कर रहे हैं, तू अलग जा रहा है, तू कुछ डिफरेंट है, तू कुछ हटके कर रहा है, तू देख ले भैया तेरा खींचे। यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट्स गेट जो तो 2-3 स्टूडेंट जो बेचारे सोचते हैं ना बिजनेस करने का, उनका माइंड जो है वो काम नहीं करता, यार हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, ये स्टिल गेट कन्फ्यूज। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी काम करती है। अगर स्टूडेंट्स आप मुझे सुन रहे हैं, आपके क्लास में, आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में अगर कोई बंदा है जो कुछ नया करने का सोच रहा है, अप्रिशिएट कीजिए उसको, क्योंकि उसने डेयरिंग की है कि वो कुछ नया करे। फोर्थ, टीचर्स अगेन, जो भी टीचर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए, I'm not blaming teachers that they are not building business owners. Rather than I'm talking about something, मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि अगर teachers चाहें ना, तो काफी लोग, काफी businesses जो है, काफी बच्चे हैं, काफी students हैं, वो business में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि teacher एक stepping stone रहता है एक बच्चे की life में, एक students की life में। और अगर teacher खुद बोलता है कि नहीं यार मेरे लिए job और business में कोई difference नहीं है, it's all about passion and it's all about what you want to do in your life. अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं बोलूंगा दोनों सही है दोनों गलत है, now you decide. Why? Because it's all about what you want from your life. It's all about what you want from your life. Right? So teacher, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को बिजनेस के लिए गाइड करें। अब क्या होता है कि टीचर का जो कम्युनिकेशन रहता है, सिंस कॉलेज लेवल पे बोलिए, इंस्टीट्यूशन का फोकस बोलिए, प्लेसमेंट का फोकस बोलिए, दे ऑलवेज फोकस ऑन जॉब्स 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 बस। और अगर उनको कोई AICT से या कोई गवर्नमेंट बॉडी से अगर पुश आता है, प्रेशर आता है कि भैया कोर्स करा लो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करा लो, तो उस समय पे वो सिर्फ फॉर अ टाइमिंग एक 2-3 दिन का एक वर्कशॉप होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, लेट इट बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट,
कुछ नहीं होता है, बच्चे सिर्फ अच्छे सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं और बैक टू नॉर्म, उनको वापस से माइंडसेट ये होता है कि आप जॉब के लिए रेडी होते हैं। अब आप सोच के देखिए, आप महीने के 365 में से दिन में से 360 दिन आप रोटी खा रहे 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 और आपको सिर्फ दो दिन तीन दिन चावल खिलाते हैं और आपको बोला जाता है अब बताइए कि चावल की खेती करेंगे हम आगे या चावल पे हम काम करेंगे या चावल आप फ्यूचर में खाना चाहोगे, तो बच्चा क्या बोलेगा, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, यार मुझे तो चावल से ज़्यादा रोटी का स्वाद अच्छा लगता है, मैं रोटी ही खाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं वो खाते आ रहा। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को लेकर कितना डिस्कशन होता है कॉलेजेस में, टीचर्स लेवल पे, आप सोच के देखिए। आई एम सॉरी टीचर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर मैंने आपको कहीं हर्ट किया, द रीजन इज दैट आई वांट टू टेल ट्रुथ। सो यहाँ पे टीचर जो है उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंपेयर ना करें जॉब और बिजनेस में, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, you cannot push every time about the jobs. If somebody don't want to do job or somebody is not good in getting job or something, you can try out for different things. And मैं ये बोलूँगा, don't be in the formal, उसको सिर्फ formal या कागजों पे मत रहने दीजिए, आप अपने personal level पे भी कुछ workout कीजिए, ठीक है? So this is for teachers. कई हद तक teachers भी जिम्मेदार हैं कि business owners हमारे इंडिया में कम है, ठीक है? अब आप बोलिए, मैं हर एक पूरे एजुकेशन सोसाइटी को और पूरे इसको चैलेंज कर रहा हूँ, हाँ मैं कुछ हद तक चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये चीज मैं आपसे शेयर करूँ, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे समाज में, हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हम देखोगे आपने जो भी, हम इंडिविजुअल जो फैमिली है, मैं अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ या जो एक नॉर्मल फैमिली है इंडिया में, उनके फैमिली में, उनके सोसाइटी में बहुत कम रोल मॉडल्स रहते हैं जिनको बच्चे देख के बोलते हैं कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है बिजनेसमैन, इनके जैसा बनना है एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी कुछ तो किसके जैसा बनना है, मुझे वो दीदी जैसा बनना है जो यूएस में शिफ्ट हो गई सेटल्ड हो गई, मुझे इनके जैसा बनना है जो इसमें बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, या इसके जैसा बनना है जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, है ना? Why? Because they see the outer part of it, उसका एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं, है ना? बट अगर आप इंटरनली अगर किसी को पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं वाकई में, वॉट यू वॉन्ट, पीपल आर कन्फ्यूज, स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज, वो क्यों है, स्टूडेंट की गलती नहीं है, उनके सामने कोई आया ही नहीं है रोल, उनके सामने कोई आया ही नहीं, ठीक है? तो जब आप कोई रोल मॉडल, जो बिजनेस ओनर, जो एंटरप्रेन्योर मुझे सुन रहे हैं, अब आपको ध्यान से सुन रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रोल मॉडल बनाना है अपने सोसाइटी में। क्यों? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके बिजनेस के चलाने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने थ्रू कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अपने एक्शन से, ताकि लोग बिजनेस में, इंडिया नीड्स मोर बिजनेस ओनर्स, इंडिया नीड्स मोर एंटरप्रेन्योर्स। So, जब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऐसे कि आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर इंस्पायर करें लोगों को और लोग बिजनेस में आए, तब समझ जाइएगा कि आपका अल्टीमेट पर्पस बिजनेस का पूरा। प्रॉफिट इज अल्टीमेट पर्पस आई नो, बट अदर देन प्रॉफिट यू हैव कंट्रीब्यूशन पर्पस आल्सो। कंट्रीब्यूशन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंड यू आर ऑल्सो हेल्पिंग पीपल टू विजुअलाइज देमसेल्फ्स एज अ एंटरप्रेन्योर। So, this is what all about why people don't start the business. अगर आप देखते हैं, इसमें मैंने सभी पैरामीटर्स को टच करने की कोशिश की है और मैं किसी भी पैरामीटर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज देयर व्यूज। ये मेरा परसेप्शन है, मैंने मेरे एंगल से बोला है, ठीक है? तो यहाँ पे कोशिश मेरी ये है कि आप अगर सोसाइटी में, अभी जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप कोई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, आपको पता है आपको करना क्या है, ठीक है? ताकि हम भारत में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन सके, राइट फ्रेंड्स? ये वीडियो आपने देखा उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आप अगर यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो के नीचे कॉमेंट भी कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। मैं जानता हूँ ये वीडियो सब लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपने फिर भी देखा उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मनीष उपाध्याय, साइनिंग आउट।